लोकसभा सदस्य गजेंद्र सिंह जी, दुर्गादास उइके जी, राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य मेरे मित्र रामविलास रामविचार नेतम जी, तथा जैसे कहा गया 19 राज्य से 80 से ज्यादा प्रतिनिधि इस दुनिया के विभिन्न सेक्टर को, यानी विद्यार्थी, शिक्षक, नीति निर्धारक, विकास की काम एंड डेवलपमेंटल एक्टिविस्ट, ऐसे सारी समूह के मित्र मंडली, भाई और बहनों, मैं सबसे पहले कमीशन तथा उसकी चेयरमैन हर्ष जी को दो कारण के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं पिछले 8 महीने से शिक्षा विभाग के दायित्व में हूं। हर्ष जी, इसकी कल्पना में मेरा कोई रोल नहीं है। मेरे को तो गिफ्टेड एक मौका मिला 2020 में, उसके ठीक 3-4 साल पहले, कि एक बड़ा प्रयास, एक बड़ा मंथन आप सभी के अंदर हुई, देश की शायद आजादी के बाद, हम आज अमृत काल में है, आजादी के बाद एक लंबा विचार विमर्श के बाद, लंबा विचार विमर्श यानी समय से नहीं, सभी वर्गों का परामर्श से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा। मेरा सौभाग्य है उसका क्रियान्वयन करने का अवसर हमें मिला है। जब मैं पिछले 8 महीने से इसकी क्रियान्वयन के बहुत पहलुओं के बारे में मेरे अधिकारी मित्र, मेरे शिक्षाविद मित्र, विद्यार्थी मित्र, इन सभी से एक प्रारंभिक चर्चा कर रहा था, आखिर इसको 21वीं सदी में अगर भारत को एक ज्ञान आधारित महाशक्ति बनानी है तो सभी नागरिकों को ज्ञान की दुनिया के साथ जुड़ना पड़ेगा। ज्ञान की कोई आयु नहीं होती है। अभी तो जैसे आदरणीय अलका जी उल्लेख कर रही थी, फॉर्मल एजुकेशन की आयु 3 हो गया और पहले 5 साल तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में, यानी शब्द और संख्या, ये 2 के बारे में अध्ययन शुरू होगी, फिर बाकी आगे आगे बढ़ेगा। पिछले 3 साल से लेके जीवन के अंत तक सभी को ज्ञान की दुनिया से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार की एक बड़े व्यापक दुनिया में 21वीं सदी में एक मसौदा हम ऐसे तैयार करें, 2020 से आई हुई इस मसौदा को हम ऐसे ही तैयार करें जैसे आने वाले कम से कम 150 साल की एक मौलिक ढांचा के ऊपर एक बड़ा इमारत हम खड़ा करें। और मैं एक बात कहूं कि एसटी कमीशन ने अपने से, हम सोच ही रहे थे, हमारे एक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को आगे लेने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी हम लोगों ने बनाई है डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में। कई प्रकार की 20 से ज्यादा फोकस ग्रुप बना है जिसमें ट्राइबल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारा विषय पे एक एक वर्ग से चर्चा हो रही है। मैं उन मित्रों को मिला था, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, 3 दिन पहले हमें हमारा मेरा मिलना हुआ। हम दोनों चिंतित थे कि मैंने उनको अनुरोध किया, जैसे नीति बनाने में आपने विमर्श बनाया किया, नीति को प्रोसेस में डालने के लिए, पद्धति में डालने के लिए, नीति तो बनी, भारतीय आधार शिक्षा होनी चाहिए, भाषा को महत्व देनी चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा यानी क्या होगा?
भाषा आधारित शिक्षा यानी क्या होगा? आखिर इसको तो एकदम प्लानिंग इन डिटेल करना ही पड़ेगा। हमारे काम को एसटी कमीशन ने बड़ा सरल किया। एसटी कमीशन हमारी सरकार की ओर से एक संवैधानिक व्यवस्था है, सरकार की डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट की अपना एक बायसनेस भी रहना स्वाभाविक है। एक कमीशन एक मुक्त चिंतन की, संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत मुक्त चिंतन करने की एक ढांचा है। इसलिए आप जैसे बॉडी से शायद एनईपी के करिकुलम जब हम बनाने जा रहे हैं, 3 साल की आयु से हायर रिसर्च कैसे होगा, एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ेगी, इंक्लूसिवनेस कैसे बढ़ेगी, इक्विटी कैसे होगी, अफोर्डेबल एजुकेशन कैसे दिया जाएगा, क्लस्टर कैसे बनाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगा, ये सारा विषय के बारे में जब हम पॉलिसी को मूर्त रूप देने की काम कर रहे, उस समय में आप जैसे महानुभवों की, जिनकी समाज जीवन में प्रत्यक्ष ग्रासरूट एक्सपीरियंस है, आपके अनुभव हमें निश्चित रूप में उसको ढांचा में, नीति को ढांचा में, प्रोसेस में परिवर्तित करने में बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरा, आपने सबसे जो बॉटम पॉइंट को, उसी को आपने छुआ है। मैं मानता हूं, मैं मित्रों एंथ्रोपोलॉजी का विद्यार्थी हूं, एंथ्रोपोलॉजी और वनवासी समाज के साथ अभिन्न अंग है। उसी के अनुभव के आधार पर जैसे मैं आगे सामाजिक जीवन में काम किया, मेरे को याद है मैं कॉलेज छोड़ने के बाद जब सामाजिक कामों में शुरू किया, माननीय वी सतीश जी यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने हमें 10 दिन लेके गए थे उड़ीसा की एक ट्राइबल जिले में जीवन अनुभव करने के लिए। आदिवासी कैसे रहता है, उनके घर कैसे है, उनके खाना कैसा है, उनकी पढ़ाई कैसे है, वो कैसे बात करते हैं। मैं एंथ्रोपोलॉजी के विद्यार्थी होने के नाते डिसर्टेशन भी तो लिख चुका था, लेकिन मेरा अनुभव कम था, किताबी विद्या के अनुभव था, प्रत्यक्ष अनुभव कम था। मैं उस दुनिया को बड़ा नजदीक से, मैं जनप्रतिनिधि करके आदिवासी इलाका का भी प्रतिनिधित्व किया हूं, मेरा जो एक बेसिक अनुभव आया, जिसको मेरे सौभाग्य में मानता हूं, एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन करने की मौका हमें मिला है। कोई भी व्यक्ति ज्ञान की, विद्या की 4 विषय पर जुड़ती है। बच्चा जन्म होने के बाद पढ़ता, कहता, सुनता है, पहले वो सुनता है, बोल नहीं पाता है, 2-3 साल में बोलना थोड़ी है, थोड़ा थोड़ा बोलता है, सुनता है पहले, फिर बोलता है या बोलती है, फिर उसके बाद जब पाठशाला में जाता है थोड़ा अक्षर ज्ञान होता है, थोड़ा संख्या ज्ञान होता है, उसमें कुछ पढ़ता है और कुछ लिखता है, ये 4 चीज जिसको आता है, फिर वो ज्ञान की दुनिया की प्रवास में आ जाता है।